कैसे सीखूं मैं आपका स्वागत है। हम आपका दोस्त लव सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों कुछ जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई बटन प्रेस होने के साथ, जैसे बटन प्रेस होता है ऑटोमेटिक आपका जो डिस्प्ले जो है वो पलट जाता है, ठीक है, पलट जाता है तो चलाने में जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पलट जाता है। तो इस तरह से देखिए, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो पलट जाता है, ठीक है। तो पलट जाने के बाद इसमें प्रॉब्लम होता है कि हम इसको चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और जो जिनको जानकारी नहीं होती है वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को उसको फॉरवर्ड कराते हैं। तो फॉरवर्ड कराते हैं तो फॉरवर्ड कराने में 200 से 250 रुपये ले लेते हैं आराम से, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप सिंपली सा प्रोसेस को फॉलो करके आप इसके स्क्रीन को सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आप कैसे अपने स्क्रीन को सही कर सकते हैं। तो मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं कैसे सीखूं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आपका इस तरह से डिस्प्ले जो है वो उल्टा हो जाए तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड के बटन जो है उस बटन में आप देखेंगे अल्ट और कंट्रोल का बटन आपको दिखेगा, ठीक है। तो अल्ट और कंट्रोल के बटन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अल्ट और कंट्रोल के बटन को क्लिक करके रखेंगे और आपको 4 एरो बगल में दिखेगा, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो आप अल्ट प्लस कंट्रोल को दबा के रखना है, उसके बाद आपको जैसे जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे रखना है, तो आप इस बटन को एरो को जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक जो है ये आपका कंप्यूटर जो है जिस तरह से पहले से था उस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ सिंपल सा प्रोसेस को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है और हमारा जो है पीसी वो पुनः ठीक हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को सही करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और अल्ट बटन को दोनों को प्रेस करके रखना है और बैक में आपको 4 एरो मिल जाएंगे। तो आप जैसे एरो को दबाइएगा वो अपने जो एरो का कमांड, 2 एरो का कमांड दीजिएगा वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, आपको उम्मीद है कि ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।